भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने न जाने कितनों का करियर बनाया और न जाने कितनों की मदद की पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम जब भी लिया जाता है तो बहुत ही आदर के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में लिया जाता है। वो भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सबसे कम विवाद है, यानी कि आप अगर विवादों की ओर टटोलने जाएं तो इक्का दुक्का विवाद आपको मिलेंगे, अदरवाइज नीट एंड क्लीन है वो विवादों के मामले में। खैर आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको निरहुआ के उस दौर की बात करेंगे जब दिनेश लाल यादव निरहुआ इंडस्ट्री में आए और छाए और किस तरह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो निरहुआ का दौर गया। जी हाँ, एक ऐसा दौर भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लाइफ में आया था जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अब दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और उनका स्टारडम अब पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, हम बात उन्हीं दिनों की कर रहे हैं जब दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्मों से पाखी हेगड़े आउट हो चुकी थी और तब दिनेश लाल यादव निरहुआ बिग बॉस के घर में गए और वहाँ से जब वो वापस आए तभी भी लोगों का यही कहना था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना वो चार्म नहीं लेकर आ पाएंगे क्योंकि पाखी हेगड़े अब उनकी लाइफ से जा चुकी हैं और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ का कैरियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप अगर किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से पड़ जाएं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हार मानने वालों में से नहीं थे। भाई हार मानते भी कैसे, बहुत जूझ कर बहुत ही परिश्रम करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने इस मुकाम को वो इस तरह से कैसे जाया जाने देते। तो भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ की लाइफ में एंट्री होती है सतीश जैन की। आप ये सोचेंगे कि हम बात करेंगे आम्रपाली दुबे की, करेंगे थोड़ी देर बाद। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर हैं जिनके निर्देशन में पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो फिल्म दी जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छी और एक ऐसी फिल्म दी जिसने आप कहीं भी किसी भी प्रांतीय भाषा में बड़े गर्व के साथ दिखा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी की। जी हाँ, इसकी तो 3 सीरीज बन चुकी है लेकिन निरहुआ हिंदुस्तानी की बात कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पहली बार निरहुआ हिंदुस्तानी की बात अलग है। बात इसलिए अलग है कि इसी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ का स्टारडम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। इसी फिल्म के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ की मुलाकात हुई उनकी हीरोइन आम्रपाली दुबे से और भाई आम्रपाली दुबे देखते ही देखते दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए एक बहुत ही लकी मैस्कॉट बन गई। जी हाँ, होता है, अमूमन बॉलीवुड में भी होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे किस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी इस फिल्म में के बाद भी कई लगातार हिट्स देने वाली थी। ये तो सिर्फ फिल्म का ट्रेलर था, निरहुआ रिक्शा वाला 2, पटना से पाकिस्तान वगैरह वगैरह कई ऐसी फिल्में हैं जिसे आप देखेंगे और कहेंगे कि वाकई बहुत बेहतरीन फिल्म है। वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्में हमेशा आपको एक मैसेज जरूर देंगी, चाहे वो परिवार हो, औलाद हो या फिर हो निरहुआ रिक्शा वाला या फिर निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज़ की फिल्में। जी हाँ, अब तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी परहेज़ कर लिया है अश्लीलता से। वैसे खैर पहले भी उनके फिल्मों में उतनी नहीं हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं फिर से सतीश जैन की, दिनेश लाल यादव निरहुआ की और आम्रपाली दुबे की। ये तिकड़ी जब मिलती है तो भाई धमाल कमाल और बवाल करती है। बवाल इसलिए कि फिल्म रिलीज़ हुई और सभी को यकीन था, कॉन्फिडेंट देखिए आप, सभी को यकीन था कि फिल्म बेहतर करेगी। क्योंकि अपने एक इंटरव्यू में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यह कहा था कि जब ये फिल्म बन रही थी तो फिल्म के स्पॉट बॉय से लेकर फिल्म के डायरेक्टर तक सभी को ये लग रहा था कि ये उनकी फिल्म है, वो अपने फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। स्पॉट बॉय भी इस तरह से काम कर रहा था कि मानो ये उसके घर की फिल्म हो और वो कुछ एक योग।
डायरेक्टर, डायरेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, डायरेक्टर ने तो इस टीम को एक माला की तरह पिरो दिया था। और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को मिली दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी, और मिली एक ब्लॉकबस्टर मूवी निरहुआ हिंदुस्तानी। जी हाँ, इस फिल्म की कई अनोखी कहानियाँ हैं जिस पर हमने पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, आगे भी बनाएंगे, लेकिन ये फिल्म कई मायनों में खास है। इसी फिल्म ने दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो पंचम है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में लहराया। इसी फिल्म में सतीश जैन को भोजपुरी का एक बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर बनाया, और इसी फिल्म ने भाई आम्रपाली दुबे को एक उभरती हुई ऐसी नायिका बनाया जिसने रातों रात स्टारडम का मजा चखा था। खैर, यकीन है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।